हाल ही में शिवराज सरकार ने साधु संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, जिसके बाद बाकी संतों ने आवाज उठाई कि शिवराज सरकार अपनी इस गलती के लिए माफी मांगे। तो वहीं शिवराज सरकार जनता को लुभाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब कमलनाथ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब बीजेपी की नजर एक एक वोट पर पड़ी है। दलित हिंसा के बाद बीजेपी जमीनी स्तर पर दलितों में पैठ बनाने के लिए बस्ती प्रमुख तैयार कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि बस्ती प्रमुख की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बल्कि रिटायर्ड अफसरों को दी जा रही है। दरअसल यूपी में आरएसएस की बस्ती प्रमुख एजेंट पर बीजेपी ने काम किया था, वहां इस एजेंडे पर काम करने पर सफलता भी मिली थी। अब यही फार्मूला एमपी में भी लागू किया गया है। पन्ना प्रमुख के बाद बस्ती प्रमुख का नया पद बनाकर दलित वोट बैंक में पैठ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रदेश के 51 जिलों में दलित कमजोर बस्तियों में सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए बस्ती प्रमुखों का मनोनयन किया जा रहा है। बस्ती प्रमुखों का राज्य स्तर में सम्मेलन आयोजित करने के पहले जिलों में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।